तो ये है एम जी एस्टर। तो ये देखिए सामने से कुछ ऐसा लुक आता है इसका, मॉरिस गैरिस एम जी। तो काफ़ी अच्छा इसका लुक है, अभी इसको अंदर से भी दिखाएंगे। ये इसकी साइड प्रोफाइल और ये बैक से। ये जो एम जी का लोगो है यही बूट ओपन करने का बटन है, ऐसे करो और बूट ओपन। इस तरह से ये इसका बूट स्पेस काफ़ी है। हाँ, इसी के नीचे मिल जाएगी अपन को स्टेपनी। ये अभी करते हैं इसको बंद और चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो गाड़ी में पहले पीछे से दिखाएं आप, चलो आगे से दिखाते हैं। इनको हटाते हैं साइड में। तो यहाँ पे सारे कंट्रोल मिल जाएंगे, विंडो ओपन करने के, बंद करने का, ये लॉक अनलॉक का है। उसके अलावा एसी के वेंट। तो कुछ इस तरह का इंटीरियर मिलेगा इसमें। ये स्टेरिंग सारे कंट्रोल हैं, वॉल्यूम ऑन ऑफ, नेक्स्ट बटन कॉल का, और इधर ये मेन्यू इसमें सेलेक्ट करने के सारे बटन वगैरह दे रखे हैं। ये इसका हो, इसमें ये वाला सिस्टम थोड़ा उल्टा है, ये इधर वाइपर का दे रखा है, वाइपर ऑन ऑफ करने का, इधर लाइट का अपना सारा सिस्टम है। और इसके नीचे ये वाला जो बटन है ये क्रूज कंट्रोल का है, ठीक है। इसके बाद एसी के वेंट, ये हैजार्ड वाला हो गया। उसके अलावा ये अभी इसको ऑन करके देखते हैं, चाबी मेरे जेब में रखी है। ऑन ऑफ के लिए यहाँ पे बटन दिया हुआ है, इसको एक बार दबाइए तो ये हो जाएगा ऑन। इस तरह का इसका कुछ कंट्रोल पैनल है। तो ये इस तरह का कुछ कंट्रोल पैनल मिलेगा इसमें। ओके, इस तरह के वेलकम भी बोलते हैं। 360 को करेंगे तो ये गाड़ी को दिखा देगा 360 व्यू में। ये फ्रंट का दिखा रखा है, ये फ्रंट बैक लाइट सारा कुछ इन्होंने दिखा हुआ है इसमें। ये बैक से दिखा दिया टूली। ये देखिए इधर पास में कोई डॉगी गया है अभी। तो ये है एसी का कंट्रोल, सारा एसी से होगा। अब इसको एक बार कंट्रोल पैनल को ऑन करते हैं। ये देखिए रियर ड्राइव असिस्ट ऑन आया है इसमें लिखा हुआ। ये बैटरी का वोल्टेज, यहाँ से इसको ब्राइटनेस, ओके, नो वार्निंग इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह का है ये भाई साहब, इनसे इनका इन्फॉर्मेशन सिस्टम में बात करने का तरीका है। हेलो एस्टर। यस, ये देखिए गो एस्टर। इसके अलावा ये बंद कर देते हैं एसी। तो इसके अलावा ये यहाँ पे कप होल्डर मिल जाता है, ये इसका हैंड ब्रेक हो गया, कुछ स्पेस यहाँ पे मिल जा रहा है, ये आर्म रेस्ट हो गया इसका, ये गियर हो गए। इसका रियर गियर जो है इसको दबा के, इसको ऐसे नीचे दबा के और फिर ऐसे करके साइड में लगेगा। और यहाँ पे ये इसका स्पेस मिल जाता है कुछ फोल्डर रखने के लिए। ऊपर ये रूफ़ ओपन करने का है, ये कर्टेन का है, इसी से रूफ़ ओपन होती है। ये लाइट्स हैं, एक लाइट, ये वाली दूसरी लाइट,
इसको अगर बंद है तो लाइट ऑन नहीं होगी, बाकी इसको ऐसे करके रखेंगे तो ये विंडो ओपन करते ही लाइट हो जाएंगी। ये देखिए खुला ले करते हैं बंद, अभी पीछे से भी दिखाएंगे। तो इसमें आगे तो इतना ही है, और ये यहाँ पे दो यूएसबी के पॉइंट मिल जाते हैं। ये स्टैंडर्ड जो 12 वोल्ट वाला सॉकेट होता है ये वो मिल जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा कुछ कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल की यहाँ पे मिल जाएंगी। एक ये यहाँ पे भी यूएसबी का दिया हुआ है, पर मुझे लगता है ये चार्जिंग के पर्पज़ से दिया होगा, ये लग रहा है कुछ अपडेट वगैरह करने के लिए होगा। और बाकी एयरबैग वगैरह का यहाँ पे साइन आता है। ये इसका ये हो गया, ये इसमें मिरर भी मिल जाएगा, और ड्राइविंग सीट को एडजस्ट करने के लिए इसमें ये दो बटन हैं, ये इससे आगे पीछे। ये देखिए ये हो गया, इसके अलावा एक बटन ये है, इसको नीचे दबा रहे हैं तो सीट नीचे हो रही है, ऊपर दबाए तो सीट ये ऊपर हो गई, ये पीछे हो गई, इधर दबाए तो ये आगे हो गई। तो काफ़ी सही फीचर है। तो इसको अपने हिसाब से अपन एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लाइट का एडजस्टमेंट का दे रखा है, ये मिरर का एडजस्टमेंट के लिए है, और यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ये स्टेयरिंग को ऊपर नीचे करने के लिए ये दे रखा है। ठीक है, बात करते हैं पीछे के। तो पीछे देखिए इतना स्पेस में मिलता है, अच्छा खासा स्पेस है। बाकी भी मैं बैठ के बताता हूँ। काफ़ी वाइड गेट ओपन होता है तो एंटर करने में कोई दिक्कत होगी नहीं। ये गेट बंद, ये ऊपर सनरूफ है जो खुलती है, लेग रूम देखिए इतना मिल रहा है। मेरी हाइट 5'7" है तो उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हेड के लिए भी देखिए ये इतना है, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत इसमें होने वाली है। मैं एकदम और भी ऐसे करके बैठूं तो भी इतना गैप तो मिल ही रहा है, तो 6 फीट के आसपास भी हाइट होगी तो दिक्कत होगी नहीं। तो इस तरह का कुछ इसका बैक का ही आता है। यहाँ पे आर्म रेस्ट भी मिल जाएगा, इसमें आपको 2 कप होल्डर मिल जाएंगे। इधर इसमें एसी के वेंट दे रखे हैं 2, और यहाँ पे 2 USB पोर्ट दे रखे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बाकी तो अभी ये सनरूफ खोल के दिखाते हैं। तो सनरूफ के लिए एक तो ये बटन है जिससे खुलेगा ये, ये देखिए। अब ये कर्टेन जो लगा हुआ है ये सारा हट जाएगा, तो इस तरह की कुछ सनरूफ मिल जाएगी। अभी बारिश हुई है तो ये बारिश का पानी इस पे गिरा हुआ है, और आगे बात करें इसके सनरूफ को भी अगर हटाना हो तो ये देखिए ये सनरूफ ओपन। लग रहा है अभी और करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से इसकी ये सनरूफ ओपन हो जाती है। तो ये सनरूफ जो है इसकी इतनी ओपन हो जाती है, पीछे वाले आराम से खड़े हो सकते हैं इसमें। ये देखिए कुछ इस तरह का आप इंजॉय ले सकते हैं नज़ारों का। ठीक है, अभी बारिश आने वाली है तो भाई साहब ये शीशा तो हम बंद कर देते हैं। तो शीशा बंद करने के लिए कुछ नहीं है, आपको बस ये नोब जो है इसको घुमाना होगा,
और वो बंद हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बंद हो गया। चाहो तो आप एक कर्टन को रहने दो पीछे, इसको ऐसे ही लगा के रखो तो भी अच्छा माहौल लेता है। और अभी इसका म्यूजिक भी सुना देंगे। तो काफ़ी शानदार इसका इंटीरियर है, ये देखिए। चाहो तो ये वाली सीट आगे की साइड भी फोल्ड हो जाती है इस तरह से, तो ये पूरा बूट स्पेस जो है आपका ये बढ़ जाएगा। उसके लिए यहाँ पे सिंपल ये एक ये पकड़ने का रिबन टाइप ये रखा है, इसको जस्ट पुल करना है और ये हो जाएगी। दूसरी सीट को आगे झुकाने के लिए सीट पे यहाँ पे ये रिबन दे रखा है, इसको जस्ट पुल करना है और ये आगे झुक जाएगी। तो इस तरह का आपका पूरा बूट स्पेड मिल जाएगा। आप चाहो तो इनको थोड़ा नीचे करके पीछे गद्दा डाल के लेट के जाओ, ये वाली चीज़ तो हटी, ये वाली चीज़ जो है ये हट जाएगी। ओके, तो फिलहाल ये सीट कर देते हैं ऊपर। सीट ऊपर करके फिर ऐसा नहीं कि ऐसे आ जाएगी, लॉक हो जाती है अच्छी खासी। उसके अलावा यहाँ पे ये देखिए, ये दिख रहे हैं यहाँ पे, इधर भी, इधर और ये, इधर और इधर। तो ये यहाँ पे दो हुक दे रहे, हुक टाइप चीज़ दे रखी है इसमें। आप अगर कोई बेबी आपके साथ है तो उसका जो बैग आता है उसको यहाँ पे लगा के बेबी को यहाँ पे रख सकते हो। तो ये चीज़ होगी उसके लिए, ठीक है। तो इस तरह का इसका लुक हो गया। देखो एकदम पीछे जब सीट करेंगे, ये फुल हाइट पे है सीट अभी, और सबसे पीछे वाली पोजीशन पे है, तो इतना है। अब इसको आगे करते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे साइड में लगती है तो यहाँ पे इसकी आवाज़ आती है। बाकी घुटने आगे बढ़ गए हैं, हाथ मेरे देख सकते हैं एकदम, ये 90 से भी ज़्यादा का एंगल बन गया है। तो थोड़ा इसको पीछे कर लेते हैं, तो ये इसकी हमारी कंफर्टेबल पोजीशन जो होगी वो ये वाली, ठीक है। तो स्टीयरिंग को एकदम ऊपर रखते हैं, ऐसे बोलते हैं कि 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए वैसे तो। इस तरह से ही है। ओके, तो फिलहाल के लिए कहते हैं बंद से। एक चीज़ मैं आप बताना वाला था कि जैसे मेरा सेट करने का तो सिंपल फंक्शन वो है जो सब गाड़ी में आता है, रियर मेरा सेट करना है तो इसको रियर में करो और उस एडजस्ट कर लो, लेफ्ट करना है तो लेफ्ट में। पर क्या हो अगर हमें गाड़ी ऑन होते हुए शीशे जो हैं इसके बंद करने हो, तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली ये जो नॉब है इसको नीचे की ओर पुश करना है, दोनों मिरर अंदर हो जाएंगे। अब देखिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये नॉब है और मैंने इसे नीचे पुश किया और शीशे फोल्ड। सेम ऐसे ही इनको अगर वापस से ओपन करना है तो वापस से एक बार नीचे पुश करना होगा और ये ओपन। करते हैं इसके रियर ड्राइव असिस्ट की, तो इसमें क्या होगा, जैसे हम बैक गियर लगाएंगे तो बैक गियर लगाने इसको ऐसे किया, ये बैक गियर लगाया तो ये देखिए ऑटोमेटिक कैमरे ऑन, गाइडलाइंस हैं ये। अब मैं जैसे जैसे स्टीयरिंग घुमाऊंगा ये देखिए, ये दिखा रहे हैं कि गाड़ी किस वे में कहाँ पे कितना कर्व होगी। अगर मैं दूसरी साइड में स्टीयरिंग घुमाऊंगा तो इनकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, ये देखिए। और इसमें ये वार्निंग साइन भी देती है,
तो ये है इसका रियर ड्राइव असिस्ट, ये देखिए। तो फिलहाल के लिए इसका गियर हम निकाल देते हैं, इसको कर देते हैं न्यूट्रल, कर देते हैं कैंसिल, ओके। और मैं अभी पीछे वाली सीट पे एकदम स्ट्रेट खड़ा हुआ हूँ, आप आराम से देख सकते हैं। तो ये था हमारा MG Aster का एक छोटा सा रिव्यू। थैंक यू।